हाँ जी दोस्तों, किदा मैं साइरस और आज का वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे डार्क सर्कल के बारे में। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डार्क सर्कल के बारे में। अगर आप मुझे रेगुलरली इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हो तो मैं हर रोज एक घंटा लाइव आता हूँ, आप लोगों से डायरेक्ट बात करता हूँ, तो मुझे जो 90% क्वेश्चंस होते हैं लोगों के वो होते हैं डार्क सर्कल के बारे में। डार्क सर्कल है क्या, ये कैसे होते हैं और कैसे निजात पाई जा सकती है, उस पर पूरा वीडियो बना रखा है। दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी मैं फिटनेस और ग्रूमिंग से रिलेटेड वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो बात करते हैं डार्क सर्कल होते क्या हैं। दोस्तों क्या होता है, आपकी जो स्किन है, अगर आप स्किन पकड़ के देखोगे और यहां की स्किन देखोगे, यहां की जो अंडर आई स्किन है सबसे पतली स्किन होती है, सबसे पतली स्किन होती है, बाकी हर बॉडी में थिक स्किन होती है। और यहां की स्किन के अंदर जो आपकी जो नसें होती हैं, कैपिलरीज जो कैपिलरीज होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, नसें बहुत ज्यादा होती हैं। जब नसें एक लिक्विड निकालती हैं जो डार्क लिक्विड होता है, जैसे डार्क ब्लू और ब्लैक होता है, उसकी वजह से आपकी नसें यहां से दिखने लगती हैं और वो जो फ्लूइड है उसकी वजह से काली काली हो जाती है यहां से। और दूसरा चीज ये है कि आपके यहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं। जब यहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं तो आपके चेहरे पे जब रोशनी जाती है तो रोशनी पूरे चेहरे पे समान रूप से पड़ती है, लेकिन यहाँ पे बेंड हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ इस जगह पे रोशनी सही से नहीं जा पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको वो चीज डार्क लगती है। लेकिन जब आप इस तरह से देखोगे तो ये स्किन इस स्किन में ज्यादा फर्क नहीं होता, वो ज्यादा फर्क रोशनी के चक्कर से होता है क्योंकि गड्ढे हो जाते हैं। अब ये गड्ढे कैसे ठीक करें, अब ये जो जो नसें हैं हमारी जो फ्लूइड पैदा करती हैं जिससे ये काली हो जाती, इससे कैसे निजात पाएं। सो सबसे पहले रीजन की बात करते हैं, इसका रीजन क्यों है। दोस्तों इसके कई तरह के रीजन है, जैसे नंबर वन ये जेनेटिक्स भी हो सकता है, कई लोग ऐसे हैं जिनके जेनेटिक्स हो सकता है, कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं अपनी लाइफ में, स्ट्रेस के चक्कर से हो सकता है, फ्लूइड रिटेंशन जैसे मैंने बताया वैसे है, आप लैक ऑफ स्लीप होता है, हेरिडिटी भी हो सकता है, ये एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, नेजल कंजेशन हो सकता है, स्मोकिंग एल्कोहल हो सकता है, या कुछ लोग बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर में रहते हैं, यानी कि सनलाइट में बहुत ज्यादा रहते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। ये सारे रीजन होते हैं आपके डार्क सर्कल होने का। अब बात करते हैं इसे कैसे निजात पाई जाए, आपको 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा, आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। नंबर वन पॉइंट हो गया, आपको लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेना, जो चाहे हो जाए, आपकी पर्सनल लाइफ जैसे भी हो, प्रोफेशनल लाइफ जैसे भी हो, आप जिंदगी में खुश रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए, कोई भी चीज आपके हाथ में नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखिए। अच्छा काम कीजिए, दूसरों के लिए अच्छा काम कीजिए, अपने लिए अच्छा काम कीजिए, सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। तो स्ट्रेस लेना बंद कर दें, इसका कोई तोड़ नहीं आपको बताऊं, स्ट्रेस बिल्कुल मत लें। नंबर दो पॉइंट है, आपको 8 घंटे की सुकून भरी नींद लेनी है, आपको साउंड स्लीप लेनी है दोस्तों, अच्छे से सो ताकि आपके आंखों में गड्ढे ना पड़े। तीसरा जो पॉइंट होता है एजिंग का प्रोसेस, एजिंग होता है। अब एजिंग ऐसी चीज है जिससे आप निजात नहीं पा सकते, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी एजिंग का प्रोसेस भी बढ़ता जाएगा, लेकिन आप अपनी एजिंग के प्रोसेस को कुछ हद तक स्लो डाउन कर सकते, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर सकते। कैसे, आप अपनी डाइट पे फोकस करें, जब आपकी डाइट अच्छी है सब कुछ अच्छा है दोस्तों, आप वर्कआउट करना स्टार्ट कर दें, जब आप वर्कआउट करेंगे तो एक एक सेल आपको थैंक यू बोलेगा आपकी बॉडी का, ढीलापन खत्म होगा, तो आप ज्यादा यंग रहेंगे। एजिंग का प्रोसेस खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें, उसको स्लो डाउन कर सकते हैं अच्छे से वर्कआउट करके और आप अच्छी डाइट फॉलो करके। मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं अच्छी डाइट पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जरूर चेक करें। अब सो जो नेक्स्ट स्टेप है आपको बताऊं दोस्तों, आप अपने जैसे मैंने बताया यहाँ की जो नसें हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, वो जलने लगती हैं, जिसकी वजह से एक फ्लड पैदा करती हैं जिससे वो डार्क हो जाती हैं और आपकी स्किन भी डार्क रहती है। उसको आपको ठंडक देनी है, कैसे दे सकते हैं, जैसे मेरे पास ये पैड है, ये फ्रिज में रखें थोड़ी देर और इसको इस तरह से लगा के रखें 2 घंटे तक, इसको फ्रिज में 2 घंटे तक रख दो, एकदम ठंडा हो जाएगा, इसके अंदर जेल होता है जो थोड़ा सूदिंग इफेक्ट्स देता है। अगर आपके पास ये नहीं है कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं, आप ठंडा चम्मच ले सकते हैं, चम्मच को फ्रिज में रख दो 2 घंटे के लिए, एकदम ठंडा हो जाए तो उसको हल्के हल्के यहाँ पे लगा सकते हैं, उससे थोड़ा सूदिंग महसूस होगा उनको और जो नसें हैं वो इन्फ्लामेशन उसमें कम होगी। या फिर आप किसी बर्फ के पीसेस को लेके उसको रुमाल में बांध के यहाँ पे बर्फ भी लगा सकते हैं, ठंडा चम्मच लगा सकते हैं, नहीं तो ये जो पैड आता है अमेज़न से खरीद लो, उससे फर्क पड़ेगा। देखो जब आप वर्कआउट करते हो, अच्छी नींद लोगे, स्ट्रेस नहीं लोगे, तो आपके गड्ढे नहीं पड़ेंगे, आपका ये जो डार्क सर्कल कम लगेंगे।
एक स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप जैसे मैंने बताया आप थोड़ा सा टकोर करो इस ठंडक से, इस ठंडक से टकोर करो कि नसों में जो इन्फ्लामेशन है वो कम होगी, फ्लूइड कम पैदा होगा, तो ऐसे धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। तो ये मैंने साइंटिफिक वे बता दिया दोस्तों, हमेशा याद रखना जो कोई भी आपको टिकटॉक पे यूट्यूब पे वे ये बोलता है कि रातों रात आपकी आंखें हीरे जैसी हो जाएंगी या शक्ल हीरे जैसी हो जाएगी, तो वो नहीं है। मैंने आपको एक साइंटिफिक वे बताया आप किस तरह से निजात पा सकते हैं। तो जो भी आपको रातों रात रिजल्ट देने की बात करता है प्लीज ऐसे लोगों को रिपोर्ट कर दें, अनफॉलो कर दें, क्योंकि कुछ भी चीज रातों रात हासिल नहीं होती। और आप भी रातों रात रिजल्ट पाने का चक्कर छोड़ दो दोस्तों, रातों रात गोरा कैसे होना है, डार्क सर्कल कैसे जाएंगे, पिगमेंटेशन कैसे जाएंगे, ये सब पागल बनाने वाली चीजें हैं। तो प्लीज ऐसे लोगों को बिल्कुल फॉलो मत ना करें। और मैंने जो आपको साइंटिफिक वे बताया है, अगर कोई क्वेश्चन है क्वेरी है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर कर दे, मैं हर रोज एक घंटा लाइव आता हूं, आप मुझे डायरेक्टली बात कर सकते हैं मुझसे। सो ये मैंने बताया कि इस तरह से आप आंखों को थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन कम कर सकते हैं, वर्कआउट और डाइट से आप गड्ढे भर सकते हैं, अच्छे से नींद सोना है आपको, साउंड स्लीप लेनी है, और डाइट फॉलो करें और स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी, सब ठीक हो जाएगा आपका। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, तोड़ दो मरोड़ दो, सब्सक्राइब होना चाहिए। सो कीप ग्रोइंग, स्प्रेड द लव, थैंक यू सो मच।